आज एक्सप्रेस है जो नई दिल्ली से झांसी तक चलती है, आज लेट चल रही थी गाड़ी, सुबह चलती है ये गाड़ी, 3:30 बजे नई दिल्ली से निकली और ओखला और तुगलकाबाद के बीच में इसके D3 कोच जो कि नॉन एसी चेयर कार है उसमें आग लगने का रिपोर्ट हुआ। ट्रेन रुक गई, वहां पे ट्रेन को रोका गया पैसेंजर के द्वारा, ACP के द्वारा, और ट्रेन में जो स्टाफ था उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेन में जो भी फायर एक्सटिंग्विशर थे उससे आग बुझाने की प्रयास की। कंट्रोल को उन्होंने सूचना दी, कंट्रोल के सूचना से हम लोग ने भी फायर सर्विसेज को बुला के फायर ब्रिगेड्स भी आए और आग पे काबू पाया गया। लकीली इसमें सभी पैसेंजर्स उतर गए थे अपने सामान लेके, कोई भी इंजरी या हताहत नहीं हुआ है। और अभी ये ट्रेन में जो ट्रेन था उसके 3 कोच को हमने अलग करके ट्रेन को आगे के लिए अपने गंतव्य के स्थान पर रवाना किया। सही, इस हादसे की वजह से क्या ट्रेन परिचालन पर कोई असर पड़ा? हाँ, ट्रेन परिचालन पर थोड़ा असर पड़ा क्योंकि ये गाड़ी करीब 2 घंटा यहाँ पे खड़ी रही, इसलिए पूरी यातायात इस रूट पे बंद हो गई। अभी ये गाड़ी चली गई, अभी यातायात चालू हो रही है, हम लोग भी इसलिए खड़े हैं, यातायात चालू हो जाए फिर आगे जाके देखते हैं। धन्यवाद।